भाई लोग आज बात करते हैं बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में। रसलमेनिया 39 का नाइट 2 का मेन इवेंट, द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड रेसलिंग का रोमन रेंग और उनके खिलाफ थे अपने लुखा कोडी रोड। तो भाई लोग सभी लोग का मानना था लुखा कोडी रोड रोमन रेंग को हरा देगा और बन जाएगा न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन भाई लोग रोमन रिंग्स बाप है कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स को 7 जन्म लेने पड़ेंगे रोमन रिंग्स को हराने के लिए रसलमेनिया जैसी जगह पे, क्योंकि गढ़ माना जाता है अपने रोमन रिंग्स का रसलमेनिया। अगर रोमन रिंग रसलमेनिया में हार जाता तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली खबर होती, भले जाके किसी पीपीवी में हार जाए, लेकिन रसलमेनिया में रोमन रिंग्स को हारना नामंजूर था। और हमारे जैसे बहुत ज्यादा दर्शकों फैंस को भी रोमन रिंग का हारना ना मंजूर था। तो भाई लोग फाइनली क्या हुआ है, अपने जो कोडी रोड्स हैं लुखा के नाम से फेमस हो चुके हैं वो हार चुके हैं अपने रोमन रिंग से। एक टाइम में तो ऐसा लगा जैसे WWE वाले सच में रोमन रिंग को हरा देंगे लुखे कोडी रोड से, लेकिन फाइनली वो घड़ी आती जब लुखा कोडी रोड हार जाता है रोमन रिंग से। अब लुखा कोडी रोड का सपना टूट चुका है रोमन रिंग से टाइटल लेने का रेसलमेनिया जैसी जगह पे। अब देखते हैं क्या रीमैच मिलने वाला लुखा कोडी रोड से, फिर नहीं मिलेगा रीमैच लुखा कोडी रोड को। तो भाई लोग ये अपडेट है, रोमन रिंग अभी भी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है।